दोस्तों काफ़ी दिनों से Redmi Note 8 और Note 8 Pro का हाइप बना हुआ है। आखिर हाइप भी क्यों ना हो, क्योंकि आपको हमेशा से Redmi Note सीरीज़ में कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है। वैसे तो Redmi Note 8 सीरीज़ आपको चाइना में 29 अगस्त को लॉन्च होने जा रहा है, जो कि ये स्मार्टफोन आपको इंडिया में भी सितंबर के लास्ट महीने तक देखने को मिलेगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ कन्फर्म लीक्स और कुछ रूमर्स के बारे में, जो कुछ आपको इस दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा। साथ ही आपका ये भी डाउट क्लियर हो जाएगा कि आपको इस दोनों स्मार्टफोन में से क्या लेना चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर डिस्प्ले को लेकर बात किया जाए तो आपको 6.5 इंच का FHD IPS डिस्प्ले देखने को मिलता है वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। वहीं आपको Redmi Note 8 Pro में भी सेम डिस्प्ले देखने को मिलेगा। अगर बात किया जाए बैक साइड को लेकर, तो आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है दोनों ही डिवाइस में। शायद आपको Redmi K20 Pro जैसा डिजाइन भी देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं कैमरा को लेकर, तो आपको 48 मेगापिक्सल का सोनी IMX586 सेंसर दिया गया है। साथ ही आपको इसमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर और 2 मेगापिक्सल का सुपर मैक्रो लेंस देखने को मिल जाता है। यानी कि आपको इस बार क्वाड रियर कैमरा देखने को मिलता है, जो कि आपको हाल ही में लॉन्च हुआ रियलमी 5 में 10,000 के अंदर ही देखने को मिलता है। अब बात करते हैं Redmi Note 8 Pro को लेकर, तो आपको इसमें बाकी का 3 कैमरा तो सेम देखने को मिलता है, लेकिन आपका इसका मेन कैमरा जो देखने को मिलता है, जो कि 64 मेगापिक्सल सैमसंग का G1 सेंसर देखने को मिल जाता है। साथ ही फ्रंट कैमरा को लेकर बात किया जाए तो आपको 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिलता है दोनों ही डिवाइस में। यानी कि आपको सेल्फी में भी कोई कमी देखने को नहीं मिलेगा। अब बैटरी को लेकर बात किया जाए तो आपको 4000 mAh का बैटरी देखने को मिलता है। साथ ही आपको इसमें क्विक 4.0 का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है Redmi Note 8 में। वहीं आपको Redmi Note 8 Pro में 4500 mAh का बैटरी देखने को मिलता है। साथ ही आपको टाइप सी का सपोर्ट देखने को मिलेगा और इसमें भी आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन शायद ही आपको इस बार भी फास्ट चार्जिंग बॉक्स के अंदर देखने को मिले, क्योंकि हमेशा से Redmi ऐसा ही करता है। फास्ट चार्जिंग का तो सपोर्ट आपको देता है, लेकिन आपको बॉक्स के अंदर देखने को नहीं मिलता। यानी कि अगर आपको फास्ट चार्ज करना है तो बाहर से चार्जर लेना होगा। अब बात करते हैं प्रोसेसर को लेकर, तो आपको स्नैपड्रैगन का 665 का प्रोसेसर देखने को मिलता है Note 8 में, जो कि हाल ही में MediaTek लॉन्च हुआ था, जिसमें आपको देखने को मिला था। साथ ही आपको इसमें GPU Adreno 610 का देखने को मिलता है। यानी कि अकॉर्डिंग टू प्राइस देखा जाए तो आपको प्रोसेसर बढ़िया ही देखने को मिलता है, जो कि आपको Realme 5 में भी देखने को मिला। अब बात करते हैं Redmi Note 8 Pro को लेकर, तो इसमें भी आपको MediaTek का Helio G90T प्रोसेसर देखने को मिलता है, जिसमें आपको हाइपर इंजन बूस्ट जैसा टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलता है। साथ ही आपको इसमें GPU माली G76 देखने को मिलता है। यानी कि ये प्रोसेसर आपको गेमिंग बेस्ड ही बनाया गया है मीडिया की तरफ से। साथ ही आपको इसमें कुछ लग्जरी जैसा फीचर्स भी देखने को मिलता है Redmi Note 8 Pro में, जो कि आपको इसमें एक्स्ट्रा कूलिंग फीचर देखने को मिलता है। यानी कि आपको लिक्विड कूलिंग का टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा, जिससे आप अगर लंबा गेम खेलते हैं तो आपका स्मार्टफोन कम हीट होगा। साथ ही इसमें आपको नेटवर्क इनहेंस जैसा टेक्नोलॉजी भी देखने को मिलता है, जिससे आपको कॉल ड्रॉप या फिर गेमिंग करने टाइम आपको नेटवर्क इशू देखने को मिलता है, तो ये सब इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि Redmi Note 8 Pro आपको इस पर 15,000 के नीचे काफ़ी बेस्ट स्मार्टफोन होने वाला है गेमर्स के लिए भी। वहीं अगर बात किया जाए प्राइस को लेकर, तो आपको 15,000 के नीचे प्राइस देखने को मिलेगा Redmi Note 8 Pro का, जो कि हमेशा से ही यानी कि बेस वेरिएंट 4GB 64GB का 15,000 के नीचे देखने को मिलेगा। वहीं अगर Redmi Note 8 को लेकर बात किया जाए तो इसका प्राइस आप 10,000 देखने को मिलता है बेस वेरिएंट का 3GB 32GB। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो Realme XT भी लॉन्च होने जा रहा है, जिसमें भी आपको 64 मेगापिक्सल सपोर्ट देखने को मिलेगा। वैसे ये स्मार्टफोन चाइना में तो लॉन्च हो चुका है, 17,000 के अंदर ही देखने को मिलेगा। यानी कि देखने वाली बात होगी कि Redmi Note 8 Pro जब ये लॉन्च होता है तो Realme XT को कितना बीट कर पाता है। दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिए और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।